नगरीय निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद विरोध का दौर शुरू हो गया है। ऐसा कुछ भाजपा कार्यालय में देखने को मिला, जहां पर नामांकन के लिए आज प्रत्याशियों को बागी हुए प्रत्याशियों ने कार्यालय में घुसने नहीं दिया। इसके बाद भारी अफरा तफरी का माहौल हो गया। पार्टी के बड़े नेताओं ने भी भीतर आने से रोका। काफी मान मनोबल के बाद हालात स्थिर हुए, तब जाकर भाजपा की नामांकन रैली निकल सकी। लेकिन बागी प्रत्याशियों की नाराजगी कार्यालय के भीतर तक जा पहुंची। मौके से जायजा लिया संवाददाता आशीष तिवारी ने। टिकट मिलना और फिर कटना, इसे लेकर बीजेपी में बगावती सुर भी देखने को मिल रहा है। हरीश ठाकुर को पहले बीजेपी ने तेली बांधा क्षेत्र से टिकट दी थी, लेकिन अब टिकट चूंकि कट गया, उसके बाद अब ये धरने पर बैठ गए हैं बीजेपी कार्यालय में। और कड़ी किस आधार पर टिकट कटी, पहले डिक्लेयर हो चुकी थी टिकट, टिकट घोषित होने के बाद। मैं पूर्व भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं पिछले 25 वर्षों से पार्टी में अपना तन मन धन, मेरा धंधा तक बंद हो गया इसी आधार पे कि मैंने पार्टी के लिए पूरा सब कुछ निछावर कर दिया। और अचानक रात को मेरी टिकट को काट दिया गया, मेरे को तो मेरा सालन ने जानकारी दिया कि आपका मीडिया में जानकारी आई है कि आपका टिकट को काट दिया करके। तो मैं बोला क्यों, किस आधार पे काट दिया? बोले तुमको मालूम होगा। बोले अपील समिति से कहीं फोन आया तो? मतलब कहीं से फोन नहीं आया, कोई चर्चा हुई? बोले नहीं हुई। और मैं पिछले 25 वर्षों से अपना पूरा तन मन धन पार्टी को निछावर किया हूँ। अभी जब यहाँ पर पार्टी के नेताओं से बात करेंगे, लगता है कि टिकट मिलेगी और नहीं मिलती? मुझे तो नहीं पता, मैं तो इतना जानता हूँ पार्टी क्या सोचती, मैं तो नहीं जानता। मैं तो अपने मैं तो जब तक मेरा जवाब नहीं है जब तक मैं बैठूंगा, जवाब चाहिए मेरे को। ये है हरीश ठाकुर, मदर टेरेसा वार्ड से इन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन अपीली समिति की बैठक के बाद इनका नाम काटकर दीपक भारद्वाज को टिकट पार्टी ने दी है। लेकिन टिकट किस आधार पर कटा कटी, इसकी जानकारी हरीश ठाकुर को नहीं है और यही बड़ी वजह बनकर सामने आई है। अब हरीश ठाकुर धरने पर बैठ गए हैं, हालांकि किस तरीके से उनकी नाराजगी पार्टी दूर करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।